बरकातो, मैं सैयद वसीम पर्सन ऑफ शील्ड ह्यूमैनिटेरियन एनजीओ सोशल एक्टिविस्ट। आज फिर से प्रेस मीट करने का मकसद ये है कि आपको जिस तरीके से मस्जिद का इशू आप लोगों के सामने आया था, मस्जिद के इशू के ताल्लुक से फिर से जो सो ये प्रेस मीट करना पड़ा। उमर कुरैशी के नाम से जो हम आप लोगों के सामने बात रखे थे कि उन्होंने बार बार जो सो मस्जिद का नाम लेके कंप्लेंट कर रहे हैं बल्दिया में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जहाँ पे भी कंप्लेंट कर रहे थे उन्होंने, और पैसों की डिमांड कर रहे थे, और आपसे जो सो पैसे थोड़े थोड़े करके 17 लाख रुपए लिए, वो सारे एविडेंस जो ट्रांसलेशन जो भी करे थे आपके पास, ऑनलाइन जो करे थे आपको ट्रांसेक्शन जो करे थे आपके पास बता दिए। अब उन्होंने उनके पार्ट टू में उन्होंने बोले कि वो मैं ज़मीन ख़रीदा था, वो पूरे सब झूठे सच्चे बातें हैं। इनके पास से कोई ज़मीन नहीं खरीदे, ज़मीन अगर ख़रीदे होते तो वहाँ पर सेल ऑफ अग्रीमेंट होता। उन्होंने MOU बता रहे हैं, MOU उस चीज़ का है कि इन्हों यहाँ पे आके बार बार जो सो इनसे पैसे डिमांड कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या करे, एक जमीन दी है इनको, ये कम रेट में है भाई, आप लेके इसके ऊपर कमा लो। कमीशन जी आप खुले अल्फाज में ये बोलिए, उन्होंने ब्रोकरी कर, यकीनन ब्रोकरी, उन्होंने ब्रोकरी कर रहे थे, तो उनको कमीशन देने के लिए आप जो सो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में वो MOU बनाए थे। वो MOU को ले लेके उन्होंने जमीन खरीदा बोल रहे, वो झूठी बात है एकदम, समझे ना। उन्होंने बच्चों की खत्म खा लिए, क्या खा लिए वो आप लोग सब चीज़ें देखे। नहीं दिए भाई, देखिए दूसरी बात क्या है, जमीन उन्होंने खरीदे, एक मिनट, जमीन उन्होंने खरीदे तो पैसे कौन देना, इन्हों देना, उन्होंने देना, उन्होंने देना ना भाई, फिर इनका कैसा, इनकन से पैसे कैसा ले रहे हैं उन्होंने, जमीन खरीदे उन्होंने तो उनके पास सेल ऑफ अग्रीमेंट है ना, मैं ओनर को पैसे दिया बोल के रिसीप्ट बताना, ये ना कि उनको पैसे देना, अपन उन्होंने पैसे देना इनको, समझ में आ रहा बात, ये तो बात उनकी झूठ हो गई। दूसरी बात, उनके ऐसे बहुत खिस्से हैं, बस्ती के तमाम लोग भी बाहर ठहरे हुए हैं, उन्हें बस्ती में आके क्या क्या कर रहे हैं, बस्ती में कौन से लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, और एक एक उन्होंने उसके अंदर उनके बाइट में ये भी बोले कि उन्होंने जो सो मस्जिद के जिम्मेदार है और MLA से लड़के, MRO से जो सो लड़के पैसे सेंक्शन कराए, ईदगाह के लिए, कब्रस्तान के लिए जमीन दिलाए, वो जमीन का भी रिकॉर्ड है हमारे पास, 3 एकड़ 30 घंटे जो जमीन दिलाया उन्होंने, अब वहाँ पे जो सो 1.5 एकड़ 2 एकड़ की खरीद बची हुई है, और बाकी की जमीन जो उन्होंने गोल्ड स्टोन जिसका है उनको बेचे, ये सारे रिकॉर्ड हैं उनके, खोदते गए वैसा निकलते रहता, समझे ना, खोदते गए वैसा निकलते रहता। उनके लिए कंप्लेंट देने के लिए तमाम ये हसमत पेट के लोग जो है ना उनसे बज्जन है, समझे ना। इस बात से हम जो सो अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से ये डिमांड कर रहे थे कि आपके पास ऐसे बदकिरदार लोग आपके पार्टी में है बोल, समझे ना। और एक दूसरा, इनू जो कंप्लेंट करे वो कंप्लेंट करने के तरफ से अब यहाँ पे सिचुएशन आ गई। अब उन्होंने प्रथम जो हम लोग PS में कंप्लेंट करने गए थे, वहाँ PS में जो होते सामने बैठ के बोले कि हम नाम पे नहीं आएंगे, करेंगे मस्जिद का कंप्लेंट नहीं करेंगे, सारे चीज़ें बोल दिए, लेकिन उनके तरफ से अब बैकग्राउंड तरीके से अब ये काम हो रहा है, आप साइट के ऊपर डिमोलिश करते बोल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इरीगेशन डिपार्टमेंट, GHMC की तरफ से हमारे को प्रेशर आ रहा, पुलिस में प्रोडक्शन ले रहे हैं लोग, पुलिस प्रोडक्शन होना हमारे को, हम ये डिमोलिश करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे मस्जिद का काम आप जोरों शोर से चल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मस्जिद बन गई। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं आना चाह रहा हूँ, आप डरने की क्या जरूरत है, नहीं डरना नहीं चाह रहे, डरना नहीं चाह रहे हैं हम, आपको ये बोलना चाह रहे हैं, ये मीडिया के तरफ से हम जितने भी बड़े ऑफिसर्स है उन लोगों के पास ही हमारी बात जाना कि हमारे पास हाईकोर्ट के ऑर्डर है नॉट टू डिमोलिश, नॉट टू इंटरफेयर हो गए, और उसके बाद में बफर जोन और FTL लाइन का जो हमारे पास NOC है, फिर उसके बाद से FTL लाइन ने बोल के बार बार जो सो यहाँ पे इन लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो सो अनाथ आश्रम है और ओल्ड एज रूम है, वो सारे लोगों में यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब सारे लोग रहते हैं, यतीम यजीद लोग सब जने रहते हैं यहाँ पे, अब वो भी तोड़ते बोल रहे हैं, समझे ना, ये सब चीज़ें किसके तरफ से हुआ, उनके तरफ से हो रहा। अब यही हमारा डिमांड है कि हम गवर्नमेंट से यही करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसकी जो है सो अच्छी से तहकीक करिए, और हमारी प्रॉपर्टी को सेफ करने के लिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और भाई डिटेल आप क्या बोलना चाह रहे हैं बताइए, कौन से कौन से। मैं मोहम्मद रफीक, मेरे भाई मोहम्मद अली, हमारे वसीम भाई। आज जो है जो दूसरा मुद्दा जो है मोहम्मद उमर कुरैशी और शाद कुरैशी का जो दूसरा मुद्दा जो है, अब जो सब चीज़ तो आप लोगों को मालूम हो गया, उन लोगों का क्या चीज़ है, क्या क्या हरकतें करे, हम लोग ज़मीन उन लोगों का खरीदे खते, उन लोग डॉक्यूमेंट बता रहे, वो खरीदे से डॉक्यूमेंट नहीं होता, उन्होंने एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं करे सो, खाली एक कमीशन ब्रोकरी जो उनको जो कमीशन मिलना है उसमें 7,000 रुपये जो गस पे उनको मिलना है, लिहाजा पूरी ज़मीन पे कुछ भी किसी किस्म का कंप्लेंट नहीं करेंगे हम, आप लोगों को तकलीफ नहीं देंगे बोल के उन लोगों उसका कमीशन लिए, वो कमीशन में हम लोग ऑलरेडी उनको अमाउंट दे रकम पहुँचा दिए 17 लाख।
दस लाख रुपए ऑनलाइन दिए, बाकी का 1,50,000 ऐसा कैश पूरा कर दे दिए सर। उसके बाद भी उन्होंने ट्वीट करे, कंप्लेंट आ दिए, उसके बाद जो है हमारे को तो हमारा मुंह बंद हो जाता। और भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को बाद में भेजा दूँ। उन लोग यहाँ से उनको रोजी रोटी मिली सो है, हम लोग ऐसा गला हम लोग का काम नहीं करेंगे, बल्कि वो भी रिकॉर्डिंग में भेजा सो है। पहले देखिए वो तो जो पेपर बनाए थे MOU जी, तो पेपर को फाड़े क्यों नहीं, वो पेपर को खत्म कर। अरे नहीं, वो कभी कंटिन्यूएशन में है, वो उनको पैसा होना था तो ब्लैकमेल करके ले रहे हमारे से पैसा होना था उनको मजीद बोले तो अभी नहीं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी बिको नको बिको वो अच्छी से हमारे को वास्ता नहीं है, वो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, हमारा कमीशन हमारे को दे देना। अच्छा पैसा होना है तो कैसा, ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेलिंग किस किस्म का, हर मुद्दे पे जो है ट्वीट करना, हमारे को ब्लैकमेल करना। कल की डेट में जो है मस्जिद का काम चल रहा, संघीय बुनियाद हो रही, उनको बुलाए आके जो आप भी संघीय बुनियाद पे काम उसमें शिरकत करो बोल के उस दिन भी नहीं आए उन्होंने, उस दिन नहीं आए उन्होंने, उनको मालूम था GHMC वाले गाड़ियाँ लेके आने वाले बोल के उनको मालूम था, वो चीज़ से उन्होंने नहीं आए उन्होंने। अगर उनको मालूम रहता और अगर उन्होंने हक पे रहते इधर आके, अगर भी जो अपना मस्जिद के काम में हाथ बढ़ाने रहता तो साथ में हमारे खड़ते थे उन्होंने। साथ में नहीं खड़ने की वजह क्या है, उनको उनको मालूम है कि बल्दिया वाले आने वाले हैं, आज आके पूरा डिमोलिश करने, सब इन्फॉर्मेशन रख के ये गलतियां करे सो है। बहरहाल हम पुलिस स्टेशन को गए, कंप्लेंट दिए, पुलिस स्टेशन में सर्कल सब भी बुला के उनको बातें करे खूब। उन्होंने बोले आज से जो है लिहाजा हम लोग कोई किस्म का ट्वीट नहीं करेंगे, ना मस्जिद पर ना ज़मीन पर बोल के ये चीज़ वहाँ बोल के चले गए उन्होंने। अब उसके बाद रही बात वो सब कंप्लेंट ये वगैरह ट्वीट होने के बाद, अभी अभी फिलो का जो है ये मेरे वालिद साहब की ज़मीन 10 एकड़ 12 घंटे, इसमें से जो है 2 एकड़ 11 घंटे इरिगेशन डिपार्टमेंट की NOC 2 एकड़ लेने के बाद 8 एकड़ 1 घंटा हमारे नाम पे दे दिए। फिर HMDA एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट वाले पूरी टीम आई, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आके ये हम लोग का पट्टेदार बाजबता पट्टेदार नॉट इंटरफेयरिंग इन FTL बोल के बाजबता लिख के दिए उन लोग का भी एनफोर्समेंट टीम वाले। देने के बाद उन लोग फेंसिंग कर लिए, फिर वॉकिंग ट्रैक डाल लिए, फिर CC रोड भी डाल लिए, सब वगैरह हो गया FTL में। होने के बाद उसके बाद जो है ना रेवेन्यू वाले और GHMC वाले Day 1 से हमारे पास बुलडोजर वाले लेके आ रहे डेमोलिश करने के लिए। हमारे साइड पे कंप्लीट जितना भी साइड पे जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ पूरा तोड़ दे तुम बोल के गाड़ियाँ लेके आ रहे। हम लोग जो है GHMC और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर हाई कोर्ट से जो है नॉट टू इंटरफेयर नॉट टू डिमोलिश बोल के ऑर्डर लेके आए। ये 2 ऑर्डर लेके आने और लेके आने के बाद भी अब इसमें मस्जिद बनी हुई है और यहाँ पर सामने जो है ओल्ड एज होम है और अंदर जो है एनिमल्स का जो इलाज होता है हॉस्पिटल है, अंदर हॉस्पिटल भी है। ये सब चीज़ें हम लोग डिपार्टमेंट वालों को Day 1 से मैं जाके रिप्लाई दे रहा हूँ, ये ऑर्डर है इधर आना नहीं, इधर डिमोलिश नहीं करना। हर डिपार्टमेंट में Day 1 से मैं एक एक्नॉलेजमेंट है बर्स दे रहा हूँ, लिहाजा स्पेशली सिलेक्टिवली टारगेट बना दिया हमारे को ये डिपार्टमेंट वाले रेवेन्यू और GHMC इरीगेशन वाले, ये FTL में इंक्रेजमेंट करे बोल के हमारे को टारगेट बना के अब मंडे के दिन पूरा डेमोलिश कर। मैं बोला इसमें मस्जिद भी है बोल के बताएं लोगों को, इसमें ओल्ड एज होम है गरीब लोगों के, पूरे गरीब लोग है, मस्जिद है, मदरसा है, वहाँ एनिमल हॉस्पिटल है बोले तो भी, लिहाजा उन्होंने मंडे से ले ये मंडे प्रोटेक्शन के साथ आके डेमोलिश करने वाले हैं। साहब 1991 का आर्टिकल है, आप मस्जिद बनाओ या चर्च बनाओ या मंदिर बनाओ जिसमें से परमिशन ले लिया, परमिशन ले लिया हम लोग, परमिशन हो हम लोग करने से पहले परमिशन ले लिया, हाँ ले लिया हम लोग, जी हाँ ले लिया। परमिशन लिए बाद में फिर उनका साहब गलत है, अरे हम कुछ परेशान है साहब, हम लोग ऑर्डर लेने के ऑर्डर कुल लोग ऑर्डर को ये ऑर्डर को नहीं 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 डिमांड किसी किस्म का डिमांड नहीं है, इनके ऊपर क्या पॉलिटिकल इनके पीछे कौन है हमारे नहीं, कोई भी डिमांड नहीं करें तो एक मिनट तर कोई भी डिमांड नहीं करें, इनके ऊपर क्या पॉलिटिकल प्रेशर है, इसके ऊपर क्या साजिश, इसके ऊपर कौन साजिश कर रहा है हमारे को नहीं मालूम। हमारे ऊपर बाजाबता पूरे ऑर्डर देख लो, अभी ये ऑर्डर देखो पूरे GHMC का ऑर्डर देख लो, पहले कोर्ट का ऑर्डर देख लो, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी देख लो, नॉट टू रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर नॉट टू डेमोलिश बोल के दे रहा हूँ। ये देख इंट्रीम स्टे है इस पे, नॉट टू डिमोलिश नॉट टू इंटरफेयर बोल के भी है। ये ऑलरेडी कंटम में डाल दिया, डेट भी बताता हूँ आपको, ये कंटम CC है डेट भी समझ रही, ये कंटम में रहने के बाद भी डेमोलिश करते बोल के हमारे ऊपर हैरेसमेंट हो रहा,
हम तेलंगाना हुकूमत से जो है हमारे को मदद चाह रहे हैं, हम मदद चाह रहे हैं। और एक सवाल ये है कि लोग ऑन द व्हाट बेसिस डिमोलिश करते हैं, क्या बात है कि आपको नोटिफाई दिए होंगे? एफटीएल लैंड बोल रहे हैं तो आप लोग एनओसी बताए, सब सब दिखा दिए भाजपा कोर्ट के ऑर्डर से, सब हर एक के डॉक्यूमेंट पूरा एक्नॉलेजमेंट के साथ है मेरे पास। जीएचएमसी रेवेन्यू दो चीज डिपार्टमेंट का बोल रहे हैं, एक नहीं, जीएचएमसी रेवेन्यू इरिगेशन डिपार्टमेंट। जीएचएमसी आपके पास आए थे जब आप ये ऑर्डर्स बताए? सब बता दिए, हर एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, भाजपा सबमिट कर, बताने के बावजूद भी काके अंदर पूरा वीडियो ले पूरा है देखिए। नहीं क्या चाह रहे सब? अब हम जो है तो ये सारे कॉपियां एरिया पीएस को एरिया एसीपी को दे रहे हैं। हम हुकूमत से चाह रहे हैं कि ये जो भी बल्दिया वाले और जो भी डिपार्टमेंट वाले हमारे हरासमेंट कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी करें और हमारी प्रॉपर्टी सेफ करने में हमारी जो है मदद करें। और पुलिस प्रोटेक्शन लेके आना चाह रहे हैं लोग यहाँ पे, हम पुलिस वालों को जो है खासतौर पे पुलिस एरिया पीएस और एसीपी को दे रहे हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो पुलिस वाले और ये बल्दिया वाले जिम्मेदार होंगे हमारी प्रॉपर्टी की। हम तेलंगाना हुकूमत से खासतौर ये डिमांड करेंगे हमारी जो है चीज में मदद करें। यानी आपको दो लोग परेशान कर रहे हैं, एक तो मुकामी ब्रोकर्स और दूसरा जो है सो जीएचएमसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट। दोनों तरफ से हमारे हरासमेंट होगा।